हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा सेशन है वो है सीआईएसआई पे बेस्ड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग जो डील करने जा रहे हैं वो सीआईएसआई का कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों को देखेंगे, साथ ही साथ एक ही साथ देख सवाल को कैसे कैसे करना है। अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है बेसिक्स में बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है और चीजें कैसे कैसे करनी है जो हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 2 मिनट का टाइम लगेगा, दो छोटे से फॉर्मूला है और एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझना है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सारे जितने भी टर्न्स होते हैं, वो ट्विस्ट होते हैं, वो सारे चीजों को जो है हम लोग सवालों में देखेंगे। कोई मैं तुम्हें बोर नहीं करने वाला हूँ कि इकट्ठे एक ढेर सारा फॉर्मूला लिखा दिया और कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तुम्हें सारे फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और चलो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सवाल में हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो, सबसे पहला मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जब तुम किसी चीज को उधार में लेते हो, ठीक है, जब तुम किसी जगह से उधार में लेते हो, तो जो तुम उधार के साथ साथ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी जो देते हो, जो उधार लिया सबसे पहले वो क्या कहता है, प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट तुमने दिया, ठीक है, जो इंटरेस्ट तुमने दिया वो दोनों मिला के क्या बन जाता है, तुम्हारा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, और ये अमाउंट क्या हो गया, तुम्हारा वो राशि जो तुमने जिससे उधार लिया था उसे जो तुमने दिया वो राशि, ठीक है, वो है अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल सा है, चाहे वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो, दोनों के केस में प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा अमाउंट। अब इसी से दो ब्रांच खुलते हैं, एक तुम्हारा कंपाउंड में चला जाता है, एक तुम्हारा सिंपल में चला जाता है। एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, एसआई का जो एक बेसिक सा कॉमन सा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बाई में 100, इसे सब कोई जानता है। और सीआई का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू 1 + R/100 टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स के लिए आप लोगों ने उधार लिया। अब ये टर्म्स क्या है, देखो टर्म्स जो है ना, इसको एक तरीके से टाइम के रूप में यूज करते हैं। टाइम के रूप में ये तब तक यूज होता है जब हम लोग का एनुअली होता है और जब हाफ ईयरली वगैरह होता है। सवालों में बताऊंगा कि इसको टर्म्स के रूप में क्यों यूज करते हैं, वहां पर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा समझा दूंगा और उसी के बाद फिर हम लोग उसमें देखेंगे। सिंपल सा ये बेसिक सा यही समझो कि एन का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। अब एक चीज समझो, पूरे इस पूरे चैप्टर को आसान बनाने का एक जो मूल मंत्र है वो है सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव इसी को हम लोग बोलते हैं, यहां से सक्सेसिव के माध्यम से ही हम लोग जो है इफेक्टिव रेट निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चिड़िया है, अब ये समझो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल सा कि जब जैसे लेट से मैं बोलता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए, दोनों के केस के लिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम हमारा 2 ईयर है। ठीक है, तो एसआई के केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एसआई के केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 2, दैट इज 20%। मतलब मुझे अगर एसआई निकालना है तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल का 20% करूंगा और मुझे अमाउंट निकालना है, देखो अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट में ऐड करके, तो 20% बढ़ा के जस्ट, तो 20% बढ़ा के जस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 120% निकाल दूंगा और ये हमारा आंसर है। इंटरेस्ट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट, कि जो मैंने उधार लगाया उसमें जो इंटरेस्ट आया वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो 20% अगर मेरा 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ मतलब क्या हो गया, पूरे जितने भी टाइम दिए हैं उस टाइम का एक ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। मैं सालाना वालाना नहीं देखूँ, ठीक है, मुझे 4 साल दे तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 साल दे तो रेट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा एसआई का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई का कैसे निकल के आएगा, अगर सीआई का निकालना है तो सीआई में क्या करना होगा, तुम्हें सक्सेसिव लगाना होगा। ठीक है, सक्सेसिव कैसे लगाना होगा कि अगर 10% 10% 2 बार है तो तुम्हें 10 10 का 2 बार सक्सेसिव लगाना, अगर ये 10% 10% 3 बार है तो 10 10% का तुम्हें क्या करना होगा, 3 बार सक्सेसिव लगाना होगा। ठीक है, तो 10% का जब तुम सक्सेसिव लगाओगे तो 10 + 10 और प्लस में 10 × 10/100, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, 21% दे देगा। और ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 21% हो जाएगा जब रेट 10% और टाइम 2 ईयर दिए हुए रहेगा तो। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ से अगर मैं वही सेम फंडा यहाँ पे तुम्हें सीआई पूछ दूँ तो सीआई के लिए तुम क्या लिखोगे, पी इंटू जस्ट 21%, और यही मैं तुमसे अमाउंट पूछ दूँ तो पी इंटू क्या लिखोगे, जस्ट 121%। बस इतना ही, इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा चीज नहीं बताने वाला हूँ। देखो बैंकिंग के एग्जाम में खास करके मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह फायदेमंद है, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में खास करके मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव सक्सेसिव के अलावा अगर कुछ सवाल आ रहा है तो वो सवालों के दरमियान हम लोग सीख लेंगे, एक्स्ट्रा आलतू फालतू जो भी सवाल होगा, कुछ सवाल ऐसे बने ही होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना होता है, सीआई में खास करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें हम स्किप कर देंगे, सिंपल सा उन्हें स्किप कर देंगे, उतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, और जो इसके नहीं मतलब जो बनाने लायक होगा उसे हम लोग देखेंगे सवालों में क्या करना है। बस इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद सवाल तो बस आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीआईएसआई का कॉन्सेप्ट और ट्रिक का सेशन। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है, ये सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ पे सवाल को समझाने से पहले मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना सवालों के साथ ही तुम्हें देता चलूंगा। ठीक है, एक एक चीज को जो है मैं यहाँ पे समझाता चला जाता हूँ कि सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि अगर सीआई के बारे में हम लोग बात करें तो सीआई में हर एक साल का इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सीआई को बोला जाता है इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल का इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हर एक साल का वो क्या होता है, जो इक्वल होता है। ठीक है, जब भैया हर एक साल का इक्वल है तो अब यहाँ से सवाल को देखो, सवाल में द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट, कुछ रेट पे कुछ परसेंट पे, ठीक, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 4100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4100। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट जो है एट द सेम रेट पे ही 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए था, ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना है, 6000। ठीक है, अच्छा 3 साल के लिए इंटरेस्ट जब 6000 है तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, 1 साल के लिए ऐसा ही कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 4100 रुपए जो है मेरा 2 साल का क्या है, इंटरेस्ट। अच्छा मैं तुमसे अगर पूछूं कि 1 साल का अगर 2000 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2000 प्लस 2000। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज तो मालूम है कि सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, 2 और 2 4000 तो तुम पहुंच गए, लेकिन था तुम्हारा कितना, 4100, यानी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बन के आया वो कितना बन के आया, 100 रुपये, इसी 2000 रुपये ना बन के आया होगा आर परसेंट लग के, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि इस आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5%। सिंपल सर, इस आर की वैल्यू कितनी है, 5%, यानी कि 2000 का 5% करेंगे तो मुझे कितना निकल के आ जाएगा, 100 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, अब देखो, देन द सम ऑफ मनी इज, मनी कितना है ये बताना है। अब सिंपल सर फिर से पुराने वाले भाषा में आते हैं कि हमारा 1 साल में ऐसा ही जो है वो 2000 है। ठीक है, 1 साल में ऐसा ही 2000, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा ना। अब मुझे 5% जब है तो ओरिजिनल अपने आप में कितना होगा, 100% ही होगा ना, तो मुझे क्या निकालना है, 100, 5 से 100 करूंगा तो क्या करना होगा, 20 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी ले जाके क्या करो, 20 से गुना कर दो, 20 × 2000 कर दो, 20 × 2000 कितना दे देगा, 40000 दे देगा, हो गया कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए 40000। ठीक है, तो सवालों को हम लोग जो है इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, 122200 वाज पार्शियली इन्वेस्टेड, दो भाग पार्शियली टुकड़ा में इन्वेस्ट करा गया, स्कीम ए में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड करते हुए 2 साल के लिए, स्कीम ए 2 साल के लिए, ठीक है, और पार्शियली इन स्कीम बी, स्कीम बी में 10% सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड किया गया है मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे वो मालूम होता तो मुझे इस सवाल का आंसर देने में क्या होता, हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट करा गया, अगर ये रेशियो मालूम होता तो, लेकिन रेशियो तो मालूम है नहीं मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेशियो ही निकाल लेता हूँ। सबसे पहले एक चीज देखो, 10% का 2 साल के लिए सक्सेसिव जब लगाओगे, देखो कुछ मतलब सक्सेसिव ऐसा होता है ना जो तुम्हें याद रखना होगा कि 10% का 2 साल का कितना होता है,
ये होता है 21%, 10% का ही 3 साल का कितना होता है, ये होता है 33.1%, फिर 20% का 2 साल का कितना होता है, तो 20% का 2 साल का होता है 44%। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना तुम्हें थोड़ी सी जो है ध्यान में रखनी होगी इस टाइप की, ज्यादा नहीं ध्यान में रखना, 4-5 ही हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा जो आएगा वो तुम मुंह पे निकाल लोगे। ठीक है, और 10% 2 साल तो तुम मुंह पे भी निकाल सकते हो, 20% 2 साल तो मुंह पे भी निकाल सकते हो, इसलिए ये चीजें याद रहती है, एल्स ऐसे याद नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद का समझो क्या है कि 10% के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो स्कीम ए पे अगर मैं बोलूं ए रुपया लगाया जा रहा है तो स्कीम ए पे मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 21% का। ठीक है, स्कीम बी में अगर मैं बोलूं कि मैं बी रुपया ही लगा रहा हूं तो बी रुपया पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो कितना है, 10% 4 साल के लिए, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 40%। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ एक चीज देखो, बोथ द स्कीम गिव इक्वल इंटरेस्ट, दोनों ही स्कीम इक्वल इंटरेस्ट देते हैं तो दोनों ही स्कीम इक्वल इंटरेस्ट लगा दो। अगर यही बोलता दोनों ही स्कीम इक्वल अमाउंट देते हैं तो मैं यहाँ क्या करता, 21 को 121 कर देता, 40 को 140 कर देता। ठीक है, तो ये जस्ट भाषा पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी आसानी से भाषा को पकड़ सकते हो। अब देखो तो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें कितना आसानी से मिल गया, ये देखो 40:21, यानी कि 61, 40 और 21, 61 का वैल्यू जो है वो 12200 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। और अगर एक की वैल्यू 200 है तो स्कीम ए में बोला कितना, 40 की वैल्यू बतानी है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 × 200 यानी कि कितना, 8। हो गया हमारा सवाल खत्म, जस्ट इतना ही तो करना है सवाल में। ठीक है, तो जस्ट रेशियो निकालो और सवालों को सॉल्व कर लो जस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के मदद से। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला बोल रहा है ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम। एक मनी लेंडर जो है 4% पे पैसा उधार लेता है, ठीक है, एंड लेंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा एक चीज समझो कि जब उसने उधार लिया तो किस फंक्शनिंग पे उधार लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फंक्शनिंग पे कि एसआई के फंक्शनिंग पे। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फंक्शनिंग पे अगर कोई उधार लेता है, कुछ एक दो एक्सेप्शन सवालों को छोड़ के हर एक सवाल में वहां पे मेंशन रहेगा कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो वो कैसा उधार लिया है, एसआई पे उधार लिया, ये चीज को दिमाग में बैठा, और वो कौन से एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे हम लोग जब आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब अगर 4% पे उधार लिया है तो उसे 4% लौटाने हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार 1 साल में। ठीक है, अब देखो ये हाफ ईयरली हो गया और ये 6% जो है सालाना लग रहा है। ठीक है, हाफ ईयरली कितना लगेगा, 3%, और 1 साल में कितना हाफ ईयरली होता है, 2 हाफ ईयरली होता है ना, मतलब 3% 3% मुझे 2 बार देना है, और ये किस फंक्शनिंग पे देना है, सीआई पे देना है। तो इसका इफेक्टिव रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका सक्सेसिव निकाल के 3 + 3 × 3/100। देखो क्या मुझे तुम ये बताओ, क्या ये 6.09 जो आया इसे तुम मुंह पे नहीं निकाल सकते हो? ठीक है, इसे तुम आसानी से मुंह पे निकाल सकते हो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो आया 6.09%। ठीक है, मतलब तुमने जो उधार लिया था उसमें से तुम्हें 4% ही सिर्फ देना है, और तुमने जो कमाया वो कमाया 6.09%। ठीक है, तो तुम्हें प्रॉफिट कितना का हुआ, देखो तो जरा ध्यान से, 2.09% का प्रॉफिट हुआ, और वही चीज यहाँ पे दे रखा है गेन्स कितना, 209 ही नहीं है, 209 रुपया तुम कमा लेते। ठीक है, अगर मैं तुमसे 1% की वैल्यू पूछूं तो 1% 100 रुपया होगा, 100% पूछूं तो 100% कितना हो जाएगा, 10,000। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो एक हाफ ईयरली से रिलेटेड भी हम लोगों ने सवालों को समझ लिया। अब यहां से एक फॉर्मूला को समझो हाफ ईयरली के केस में, कि मैंने तुम्हें वहां पे बताया था फॉर्मूला में क्या, सीआई का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो बताया था तुम्हें, सीआई इज इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 to the power n जब ये एनुअली हो तो। ठीक है, लेकिन अगर यही काट के इसे हाफ ईयरली कर दिया जाए तो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है और टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, टाइम जो है वो क्या हो जाता है, 2 गुना, यानी 1 साल है तो 2 × 1 यहाँ हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस इतना। सिमिलरली क्वार्टरली में भी,
जितना भी दे, जिस भी हिसाब से दे, वो सारा क्या करना है इसी तरीके से करना। ठीक है, एक स्पेशल सेशन रखूंगा मैं, हाफ ईयरली के बेसिस पे, क्वार्टरली के बेसिस पे एक स्पेशल सेशन रहेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक सा सवाल है, इन चीजों को समझते चलो ताकि वहां पे जो है तुम्हें कोई तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या, चौथा नंबर सवाल क्या, ए पर्सन अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ ₹240 ऑन इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन जो है इंटरेस्ट के रूप में ₹240 कमाता है। कैसे कमाता है? इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर 5%। ठीक है, 2 ईयर एट 5% अमाउंट, अमाउंट नहीं होगा, सिर्फ 5% होगा। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज देखो कि 5% 2 साल के लिए कमाता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 5 × 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता, देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट, कितना अधिक इंटरेस्ट विल बी गेन बाय द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा कितना अधिक इंटरेस्ट कमाया जाएगा एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन सेम सम, वही पैसे पे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे एक चीज समझो कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि 3% का 2 साल का सक्सेसिव निकालेंगे, तो तुम 5% का भी 2 साल का निकाल सकते हो, 5 + 5 = 10 और 5 × 5 = 25/100 यानी कि 10.25, यानी कि इफेक्टिव अगर हम लोग देखें तो 10.25% हमारा यहाँ से निकल के आया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 0.25% का है। अब एक चीज देखो कि जब मेरा इफेक्टिव 10% था तो 10% का मुझे इंटरेस्ट कितना दे रहा था, 240 दे रहा था, तो मुझे निकालना कितना है, 0.25% का निकालना है। तो 0.25 के लिए क्या हो जाएगा, 240 / 10 और गुने में कितना, 0.25। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.25 जो है 1/4 होता है, और 1/4 से ये कट जाएगा 6 बार में, कितना रुपए आ गया, 6 रुपए आ गया, हो गया ऑप्शन नंबर ए खत्म। ठीक है, तो सक्सेसिव लगा के ना चीजों को तुम इतना आसान बना सकते हो, बस यही ध्यान में रखो कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम कैसे निकाल रहे हो, इसी पे हम लोग अभी चर्चा किए जा रहे हैं। ठीक है, चल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, देखो इस सवाल में ना एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ए मैन गिव 50% ऑफ हिज सेविंग ऑफ ₹168200, 168200 का 50% जो है वो अपनी वाइफ को दे देता है, एंड डिवाइडेड रिमेनिंग सम अमंग हिज सन आबिद एंड बिस्ट। ठीक है, आबिद और बिस्ट में आधे पैसे को बांट दिया। अच्छा, 168200 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 84100। ठीक है, इतना रुपए को बांट दिया। ठीक है, लास्ट लाइन में अगर हम थोड़ा ध्यान दें, शेयर ऑफ बीस्ट पूछा है, बीस्ट का शेयर, मतलब अगर मुझे कहीं से इनका रेशियो मालूम हो जाए तो मैं आसानी से जो है सवालों को बना सकता। ठीक है, चलो रेशियो आसानी से निकालते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एमंग बीस्ट और उनका एज जो है, आबिद और बीस्ट का जो एज है वो 15 और 13 साल है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ही डिवाइडेड इट इन सच वे, इस तरीके से डिवाइडेड किया, डेट ईच ऑफ हिज सन व्हेन दे अटेंड द एज ऑफ 18, जब वह 18 के होंगे, वुड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पे वह रिसीव करेंगे। देखो इस पर्टिकुलर सवाल में भी ना कभी कभी जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन इस टाइप का सवाल जो है तुम एकदम एक दिमाग में बैठा लो कि आता है तो वो क्या होता है कि सीधा सीधी वो सीआई का सवाल। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे एक चीज समझो, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट समझो कि 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। मतलब अगर कोई 20 रुपया है तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 रुपया। अब इसका शानदार ट्रिक क्या, ध्यान में रखो इसमें क्या, 18 साल कितना साल बन रहा है, कितना साल के बाद उसका बराबर हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं इसे 108 साल भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे 180 साल भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं, 180 साल के बाद उनका बराबर पैसा हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, उन दोनों का अंतर कितने साल का है ये देखो, उन दोनों का अंतर 2 साल का है। ठीक है, बस अंतर पे ध्यान रखना है। ठीक, अब सिंपल सा एक दिमाग में जोर डाल के देखो कि मैं 15 साल से 2 आदमी है। ठीक है, एक समझने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डायरेक्ट तुम्हें करने में आसानी होगी। ठीक है, जब मैं 18 साल पहुंचूंगा तो मैं 3 साल के लिए अपने पैसे को लगाया,
जब 20-18 साल पहुंचेगा तो 5 साल के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 3 साल के बाद मुझे 5 साल के बाद के पैसे के बराबर मिल रहा है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए ने ज्यादा पैसा लगाया होगा बी से। अगर मेरा पैसा 3 साल में किसी के 5 साल के पैसे के बराबर हो जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए ने ज्यादा रुपया लगाया होगा, ठीक है। अब बस खत्म हो गया कहानी। 20 और 21 में ज्यादा कौन है? 21 है, तो 21 ए के लिए, 20 बी के लिए, और दोनों का अंतर जो रहे, दोनों का अंतर अगर 2 साल का है तो जस्ट उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों का अंतर अगर 1 साल का है तो जस्ट एक ही रहने दो। दोनों का अंतर अगर 3 साल का है तो पावर 3 कर दो। कितना आ गया? 441 बटे में कितना? 400। इसी रेशियो में तुम्हें बांटना है इसे। एकदम देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों को ऐड करोगे तो 841 देगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें मालूम है। इतना के बराबर तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है, बीस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो 400 की वैल्यू जब निकालोगे तो 400 × 800 यानी कि 40,000 ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। जस्ट यही करना है, सिंपल सा। इसमें यही ध्यान में रखना है कि 15 और 13 का अंतर कितने का है, और उसके बाद सवाल खत्म, ठीक है। चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या, बड़ा ही आसान सा सवाल देखो क्या। अगर इसे कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो जितना कॉम्प्लिकेट करना कर लो, मैं एक छोटा सा शब्द एक छोटी सी भाषा में समझाता हूँ, देखो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम लोग एक और फंक्शनिंग को सीखेंगे। 20,000 को इन्वेस्ट करा गया महेश के द्वारा एक FD में, जिसपे 10% उसे CI मिलता था, ठीक है। 10% उसे क्या मिलता था? CI मिलता था। हाउएवर एवरी ईयर, हर एक साल ही हैज टू पे 20% टैक्स ऑन द CI। 20% का उसे क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। अरे भैया 20% का टैक्स देना पड़ता है, मैं प्रत्येक साल 10% कमा रहा हूँ जिसमें मुझे 20% टैक्स में ही चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना? 80%। तो 80% मेरे पास बच रहा है, एंड 80% को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? 8% देगा। मतलब मैंने जो पैसा लगाया उस पैसे पे मुझे 10% FD तो मिल रहा था, लेकिन 20% कट जाने के बाद मुझे बच कितना रहा है? 8%। तो एक्चुअल में मैं एक बनिया होने के नाते मैं जो देखूंगा वो क्या देखूंगा कि मुझे 8% का FD में इन्वेस्ट करने के बाद क्या मिला? फायदा, ठीक है। क्या मिल रहा है? जस्ट 8% का फायदा। मैं ये नहीं देखूंगा कितना टैक्स गया, कितना मुझे 10% का उसने बोला था, मैं ये देखूंगा कि मुझे सिर्फ 8% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कैसे निकला? 10% मेरा रेट था, 20% टैक्स में चला गया तो बचा 80%। 80% 10% का निकाल दो, 8% आ गया। अब क्या हो गया? खत्म हो गया कहानी। मुझे क्या निकालने बोला? हाउ मच मनी अप्रोक्सीमेटली डज महेश हैव, महेश के पास कितना अप्रोक्सीमेटली पैसा होगा 3 साल के बाद। मसला अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देखो अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 to the power n। तो मुझे क्या निकालना है कि महेश के पास कितना पैसा होगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा हमारा? 20,000, और फिर यहाँ से 1+8/100 करेंगे तो ये कुछ 108/100 देगा, और यहाँ से पावर में 3 चल जाएगा क्योंकि टाइम कितना है? 3 साल, ठीक है। अगर तुम गुना करने में कॉन्फिडेंट हो तो 108 × 108 तो बड़ा आसान है, लेकिन 108 × 8 जब आने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इस केस के लिए क्या बचे कि मेरे पास कोई एक प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसे मैं कैसे SI में मतलब CI में निकालूं? ये चीज़ को ध्यान देखो, अभी हम लोग का जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम लोग 3 साल तक का ही बात कर रहे हैं, और 3 साल के केस में जो है ये एक रेशियो याद रखो 3 साल के लिए, और एक रेशियो याद रखो 2 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 3:3:1, और 2 साल के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। क्या है ये रेशियो? ये है इंटरेस्ट का रेशियो। पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये सारा सम अप करके एक कंबाइन करके एक रेशियो बनाया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं 3:3:1। और 2 साल, 2 साल के लिए क्या बोलते हैं? 2:1। 4 साल के लिए भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। अब सिंपल सा यहाँ पे समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 8%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 8/100, ठीक है। और मुझे अब यहाँ पे जो है इसे 3, 3 और 1 में निपटाना है, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल कितना है? 2000। तो 2000 का जब मैं पहली बार 8/100 करूंगा तो ये मुझे कुछ 1600 ला के देंगे, ठीक है। ये मुझे कुछ क्या देंगे? 1600 ला। 1600 का अगेन मैं 8/100 करूंगा फिर से तो ये मुझे कुछ 128 ला के देंगे। 2 जीरो कट जाएगा, 16 8 128 होगा, ठीक है।
128 का अगेन मैं 8/100 करूंगा, आसानी से तुम कर सकते हो, 128 का अगेन 8/100 करूंगा, मुझे नहीं मालूम कितना आएगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हें यह पता चल रही होगी कि 10 के लमसम में आएगा। ठीक है, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लगभग में 10 के अप्रोक्स है। इसे ले लो ना, 1.28 ले लो, और 100 से काट दिया तो 1.28 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई 8, 9 तो जाएगा, 10 जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना तुम्हें देखना, खत्म हो गया। 3 का मतलब क्या है, जब 16 × 3 कर दो यहाँ पे तो ये तुम्हें दे देगा 4800, 3 × 128 कर दो तो ये तुम्हें देगा 384, और प्लस में यहाँ पे 10 कर दो। ठीक है, ऐड करोगे तो ये, और यहाँ से साथ में ये 20,000 को भी ले आओ, चूंकि ये पार्ट जो है तुम्हारा इंटरेस्ट है और ये पार्ट तुम्हारा प्रिंसिपल है, तुम्हें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐड करोगे तो यही तुम्हें देगा 25194, जो कि कौन से ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी में एग्जिस्ट करता है। जब भी हमें ये 3 साल वगैरह निकालने दे तो हमें अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है ये फॉर्मूला से, या सक्सेसिव नहीं लगा सकते क्योंकि 8% का हम लोग सक्सेसिव भी नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा डेसिमल में चला। ठीक है, 8% का जब सक्सेसिव लगाएंगे 3 साल के लिए तो बहुत ही ज्यादा डेसिमल, पहले 2 साल का निकालेंगे फिर उसके बाद आगे निकालेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस केस में हम लोग इसकी ओर शिफ्ट कर देंगे, जहां पे जब जैसा बोलेगा सवाल में तब तैसा हम लोगों को शिफ्ट करते चले जाना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। 3 साल के लिए 331, 2 साल के लिए 2:1, जस्ट इतना ही। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, क्या बोल रहा है अगला सवाल में, ए पार्ट ऑफ 70,000 इज लेंट आउट एट 10% पर एनम, एक पार्ट जो है मतलब 70,000 का जो है एक भाग जो है वो 10% पे लेंट करा गया, द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट आउट एट 5%, बचा हुआ अमाउंट को जो है 5% पे लेंट कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल पहले 10% पे लगाया गया कुछ पैसा 70,000 का, और 1 साल के बाद 5% पे लगाया गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द टाइम वेन द फर्स्ट अमाउंट वॉज लेंट आउट, ठीक है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट जो है किसका इंटरेस्ट में 3 साल के बाद, कब से 3 साल के बाद, पहले अमाउंट से। ठीक है, तो पहले अमाउंट का दूसरे अमाउंट के साथ जो रेशियो है वो कितना है, अमाउंट का 1:2 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का ना रेशियो है हमारा, इंटरेस्ट अमाउंट का ना रेशियो, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट का जो रेशियो है वो है 1:2, देखो कितना आसानी से ऐसे बना दो। ठीक है, अब 3 साल के लिए शुरुआत से लगाया गया तो 10% पे 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 30, जस्ट मैं इसे क्या करूंगा 30 से डिवाइड कर दूंगा, 5% पे 1 साल के बाद लगाया तो टोटल 3 साल, 3 में चला गया 2, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10, काट दो इसे, 1:6 कितना हो गया 6, और यहीं से तुम देख लो 7 की वैल्यू 70,000 है तो 6 की वैल्यू तुम मुंह पे बोल दोगे 60,000, यही बोला ना सेकेंड पार्ट 5% पे कितना लगाया गया था 6। ठीक है, अब कितना को लग रहा होगा कि ये बाउंसर गया होगा। ठीक है, मैं इसे भी समझा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से बस समझना, तो देखो मैंने क्या किया, रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई किया और उसको किसके साथ डिवाइड दे दिया, इंटरेस्ट के साथ डिवाइड दे दिया। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई में 100 इज इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाई में अगर मैं रेट इंटू टाइम करूं तो ये क्या देगा, प्रिंसिपल देगा। अरे भैया यहाँ 100 और 100 मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये 100 100 कट जाता है, इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया था दोनों परसेंट। ये क्या चीज का रेशियो निकला, प्रिंसिपल का निकला रेशियो का, जो 3 साल के लिए लगाया गया था और जो 2 साल के लिए लगाया गया था, हो गया खत्म, 60,000 हमारा चुटकी बजाते के साथ आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम लोग इसी तरीके से करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, देयर इज 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट, 50% बढ़ जाता है 5 साल सिंपल इंटरेस्ट पर। लो इसमें भी क्या भला बात हो गई भैया, 5 साल में जब तुम 50% बढ़ते हो तो प्रत्येक साल ईयरली कितना बढ़ोगे, 50/5 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10% पर एनम। ठीक है, सालाना What will be the compound interest of 12,000? 12,000 का compound interest, CI निकालना है, ठीक है? 3 साल का इसी rate of interest पे। तो अगर इसी पे निकालना है, तो effective rate निकालना होगा किस functioning पे? CI के functioning पे। तो मैंने बोला था 10%,
याद कर लो, ठीक है, 2 साल के लिए, 21, 3 साल के लिए क्या 33.5, और याद नहीं भी होता है तो वीडियो सेशन देखते रहना, देखते देखते तुम्हें याद हो गया, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, देखते देखते तुम पूरा याद कर लोगे, ठीक है। तो 10% का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33.1%, और यही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट 12,000 का सीआई निकालने के लिए 33.1% लगा देंगे, हो जाएगा हमारा, ये भी हट गया तो 0, 3 0, 3 0 खत्म, गुना कर लो 12 का ही 12, दो एक हाथ में 12 36 और 137, 3 हाथ में 12 36 और 3 39, 3972 हमारा ऑप्शन नंबर डी में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा क्या है आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चीजों को समझो, चीजों को कैसे हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना, ठीक है। तो इसी तरीके के सेशन मैं आगे और सीआई का लेके आ रहा हूँ, बने रहना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, और जहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक दबा के जाना है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, आपका शेयर, आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। कमेंट करके बताना है कैसा लगा सेशन, और किस तरीके के लेवल को मैं लेके आऊँ, मैं सारा चीज़ जो है कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, हमारे कम्युनिटी टैब में हमेशा पोस्ट होते रहते हैं, पोलिंग हमेशा चालू रहता है, सीआई के लिए सबसे ज़्यादा पोल हुआ था तो सीआई का सेशन लेके आया हूँ मैं, आगे और भी सारे सेशन लेके आऊंगा, इसी तरीके से पूरा प्रीलिम्स जो है मैं खत्म करा दूँ, ठीक है। तो बिना देरी किए सेशन को देखते रहना है आपको, जस्ट बेल आइकन को दबा के रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।